जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग और दशहरा की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे। आज बच्चों आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, बहुत ही शानदार जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, दिल्ली पुलिस का देंगे, यूपी पुलिस का देंगे, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीएसआई, एमटीएस, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अच्छे से देखिए और मन लगा के पढ़िए। हाँ, तैयारी अच्छी चल रही है, पढ़ाई मस्त चल रही है, तो मस्त चल रही है तो मन लगा के पढ़िए और डेली आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए। तो आज जो आपकी क्लास है मैथ्स का दोस्तों, ये चाल, समय और दूरी, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है। उम्मीद करते हैं पहला क्लास आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और उसका रिवीजन भी किए होंगे और आप सारे बच्चे प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस नहीं किए तो इसका पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। पहला क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन कराए, अब इसमें थोड़े से लेवल ऊपर रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे सारे बच्चे जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो ये दूसरा क्लास है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ध्यान से इसको देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करना क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले क्लास में भी समझाए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से कार्यालय जाता है और एक निश्चित चाल से कार्यालय से घर लौटता है। यदि औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लौटते समय उसकी चाल क्या रही होगी। औसत चाल, औसत चाल मतलब बताए थे ना आप लोगों को, फॉर्मूला भी बताए थे, तरीका भी बताए थे, कार्यालय गया, कार्यालय आया। ठीक है, कार्यालय से गया और कार्यालय से घर वापस आया, मतलब समझ रहे हैं, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, दूरी क्या हो गई, समान। जब दूरी समान हो गई तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताइएगा, सारे बच्चे एक साथ बताएं। औसत चाल बराबर क्या बताए थे, औसत चाल बराबर 2xy बटा का x प्लस y, मतलब x की चाल से गया है और y की चाल से वापस आया है। ठीक है, तो x की जगह पे आप देखेंगे बच्चों x बराबर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां कह रहे हैं एक निश्चित चाल से कार्यालय से घर लौटता है, तो यहां वाई जो है ना ये नहीं दिया हुआ है कि किस निश्चित चाल से, जो ये चाल है ना वाई, निश्चित चाल, ये वाई जो है ना निश्चित चाल, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहां पे कह रहा है यदि औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, औसत चाल दिया हुआ है, मतलब ये जो औसत चाल है ना ये दिया हुआ है, औसत चाल कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 गुने x, की जगह पे 20 है और y की जगह पे ज्ञात नहीं है, यही ज्ञात करना है। नीचे x प्लस y है, मतलब 20 प्लस y। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 24 गुना 48, ये हो जाएगा 480 प्लस 24 y हो जाएगा। ठीक है, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 24 y बराबर 20 गुना 40 y, क्या हो जाएगा, 40 y हो जाएगा। ये गुना में ऊपर वाला है ना, तो 2 गुने 20 गुने y, तो 20 गुना 40 y, तो 40 y। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 24 y प्लस का उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 40 में से 24 16, यानी कि 480 बराबर क्या हो जाएगा, 16 y। तो y बराबर अगर सिर्फ बोले तो क्या होगा, 480 और ये 16 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो 16 3 48 30, तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी जो कार्यालय से घर आने की
जो उसकी चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, x बराबर क्या आ गया, x बराबर बच्चों क्या आया, 20 आया, और y x बराबर 20 तो दिया है और y बराबर 30 आया है, y बराबर 30 आया है। औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy बटा का x प्लस y, यही तो होता है। तो आप करेंगे 2 × 20 × 30 और बटा का क्या होगा, 20 + 30 = 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 20 और 2 × 12 12 ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा 2 × 8 और 8 × 3 = 24 क्या होगा, यहां पे 3 × 12 या कर लीजिए या 12 × 2 = 24 ठीक है, या 2 × 8 = 24 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए यहां पे भी औसत चाल वही दिया है ना, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप चाहते तो इसे गो थ्रू ऑप्शन भी करते तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, अगर वाई बराबर हम क्या रखते, वाई बराबर क्या रखते, हाँ y बराबर 30 रखते ठीक है। तो आप यहां पे कटा सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक करना चाहे तो, लेकिन y की वैल्यू आप ऐसे भी ला सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। डी जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। बताइए क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है या दोबारा समझाए, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करिए, तो सारे स्टूडेंट एक साथ कॉमेंट करके बताए क्या आंसर आ रहा है। हाँ फटाफट कॉमेंट करिए और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आज मेला भी है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मेला देखने गए होंगे ठीक है। हाँ क्योंकि रात में ही ज्यादातर बच्चे जाते हैं, रात हो ही जाता है आते आते, शाम को 6 बजे जा गया, कोई 5 बजे निकला, कोई 4 बजे निकला ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए ठीक है। वेरी गुड, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया है सभी को? अच्छा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। क्वेश्चन है, दो ट्रेनें 124 मीटर और 116 मीटर लंबी है, क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है, मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये सापेक्ष चाल वाला आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। सापेक्ष चाल, अगर एक ही दिशा में मतलब जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है, और एक दूसरे के तरफ आ रही है, समझ रहे, सापेक्ष चाल ऐसे, मतलब ऐसे ट्रेन एक जा रही है, एक की चाल कुछ और है, मान लीजिए इसकी 40 है, इसकी 50 है, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगा, 50 में से मतलब एक ही दिशा में चल रही होंगी। आप ट्रेन में बैठे होंगे, आप देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे, जब आप ट्रेन में बैठे हैं एक ट्रेन आपके बगल से ही गुजर रही है, उसी दिशा में जा रही है जिधर आप जा रहे हैं ठीक है। मान लीजिए आप गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हैं ठीक है, तो गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हैं, दूसरी ट्रेन भी गोरखपुर से लखनऊ की तरफ ही जा रही है ठीक है। तो देखेंगे कि एक की चाल अगर 50 है और एक की चाल 40 है तो लगेगा कि बड़ा धीरे चल रही है ट्रेन, आपकी लगेगा, महसूस होगा ट्रेन बहुत धीरे है ठीक है। लेकिन बगल में देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो लगेगी स्पीड ज्यादा है, और एक ट्रेन लखनऊ से आ रही है और एक ट्रेन गोरखपुर से जा रही है, मतलब इस तरह से अगर चल रही है ठीक है, एक पटना से गोरखपुर मान लीजिए और एक गोरखपुर से पटना, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो स्पीड बहुत ज्यादा लगता है, मतलब सापेक्ष चाल होता है ना, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो अंतर होगा, 50 में से 40 जा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर पर आवर ठीक है। अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ये 40 है और ये आपका 50 है, तो यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल दोनों जुड़ जाएगा, 50 और 40, 40 50 जुड़ के हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, यह सापेक्ष चाल होता है ठीक है। तो सापेक्ष चाल हम आप लोगों को समझाए ही है, सारे बच्चों को बहुत बार समझा चुके हैं, तो सापेक्ष चाल आप लोग समझ रहे हैं, बस अब यही पे आपको थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन में। देखिए आगे भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी समझते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन बोला है दो ट्रेनें हैं, एक 124 मीटर और एक है 116 मीटर लंबी, क्रमशः 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब एक ट्रेन ऐसे और दूसरी जो ट्रेन है ऐसे, एक की कितनी है 28 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की कितनी है 44 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी चाल है। तो यहां पे बच्चों सापेक्ष चाल क्या होगा बताइए, सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 28 प्लस कितना हो जाएगा 44, 28 और 44 मिलके कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 का 2 हासिल है, 4 × 2 = 1 7 ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर ठीक है, ये 72 किलोमीटर पर आवर होगा। प्रश्न में ये बोला है कि मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा,
मिलने के बाद जब मिल जाएंगी, यहां पे आके मिली, तो अब पार करने में कितना समय लगेगा? पार करने में जो दूरी तय करेंगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है? पार करने में कितना समय लगेगा, समय की बात कह रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है? आप सभी को एक छोटा सा फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आप सभी को, चाल बराबर दूरी बटा का समय। तो समय अगर ऊपर इधर चला जाएगा तो दूरी बटा का चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल, यही होगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, दूरी क्या होगा, दूरी होगी एक दूसरे को पार करने की, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई, वही तो दूरी होगी। तो 124 मीटर और 116 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 124 प्लस 116 और बटा का चाल, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दूरी जो है मीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, समय देख रहे हैं सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। मीटर पर सेकंड में बदलना सिखाए हैं आप सभी बच्चों को, कैसे बदलेंगे, इस 72 को क्या करेंगे, 5 बटा का 18 से इसमें गुना कर देंगे, तो 18 चौक 72, 4 पच्चे 20, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में 72 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस अब देखिए चाल इसका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये 20। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड, ध्यान दीजिएगा, ये मीटर, समय क्या हो जाएगा, स्पीड इसकी मीटर पर सेकंड में हो गई। अब देखिए अब यूनिट सेम है, अब कुछ नहीं करना है, अब जोड़ेंगे 2416 जोड़ेंगे 40 होगा और 100 200, यानी 240 बटा का 20, 0 से 0 कटा, 2 से 24 कटेगा 12, यानी समय जो होगा वो होगा 12 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा वो 12 सेकंड लगेगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक है, क्लियर है, 12 सेकंड। कितने बच्चों का 12 सेकंड आंसर आ रहा है बताइए, हाँ ठीक है बताइए, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये सापेक्ष चाल कैसे आया, ये क्लियर है ना, सापेक्ष चाल अभी इससे पहले समझा रहे थे, जब एक दूसरे की तरफ आएंगी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा, एक ही दिशा में चलेंगी तो सापेक्ष चाल घट जाएगा, ठीक है, बस यही चीज आपको समझना है। हाँ स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों की जुड़ जाएंगी, और आप लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा ट्रेन में जब बैठे होंगे तो, ठीक है, जब महसूस किए हैं तो समझना आसान है, क्लियर है, 12 12 12 सारे बच्चों का आंसर आ रहे हैं, 12 सेकंड ऑप्शन नंबर ए, यानी समझ में आ गया है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है, हाँ देखिए एकदम बेसिक से समझिए, बेसिक से जब समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बेसिक से समझते हुए चलिए, हाँ आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पहले ये समझते हुए चलिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है, एक सिपाही 120 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वह उस चोर का पीछा करना शुरू करता है जो 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है और सिपाही 8 मीटर पर सेकंड की गति से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए समझना है, एक सिपाही 120 मीटर की दूरी पे चोर को देखता है, दूरी दोनों के बीच की कितनी है, 120 मीटर। अब यहां पे बोला है कि और वह उस चोर का पीछा करना शुरू करता है, कौन चोर का पीछा कर रहा है, सिपाही जो 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, दौड़ रहा है, और सिपाही 8 मीटर। चोर, ध्यान दीजिएगा, चोर की जो गति है, ध्यान दीजिएगा, चोर की जो गति है वो 6 मीटर पर सेकंड है और जो सिपाही है, ध्यान दीजिएगा, जो सिपाही है उसकी गति कितनी है, ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है सिपाही 8 मीटर पर सेकंड, सिपाही जो है 8 मीटर पर सेकंड इसकी गति है, सिपाही की चोर से गति ज्यादा होगी तभी तो पकड़ेगा और चोर क्या है उससे थोड़ा दूर भी है। तो अब समझना है, अगर देखा जाए तो चोर यहां पे है, सिपाही यहां पे, चोर इधर भाग रहा है, सिपाही इसके पीछे भाग रहा है, यानी देखा जाए तो चोर यही तो है 6 मीटर पर सेकंड वाला और ये सिपाही है 8 मीटर पर सेकंड वाला, तो इनके बीच की जो सापेक्ष होगी, एक ही दिशा में तो भाग रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा बच्चों बताइएगा, सापेक्ष चाल, तो 8 में से 6 घट जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, सापेक्ष चाल कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, यही होगा। अब यहां पे आपको समझना है, अब देखिए हम लोगों से पूछा है क्या, पूछा क्या है, पूछा है पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले तय की गई दूरी,
दूरी। अब देखिए, पहले ये देखिए 120 मीटर की दूरी, ये जो है 120 मीटर की जो दूरी है ये सिपाही कितने देर में तय कवर करेगा, यही दूरी तो कवर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, समय बराबर, समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा का चाल, क्या होता है, दूरी बटा का चाल, ये दूरी बटा का ये चाल लिखे हैं, दूरी बटा का चाल। तो दूरी कितना है 120 मीटर, चाल सापेक्ष चाल 2 यानी कि 60 सेकेंड, 60 सेकेंड लगेगा किसको, पुलिस को, यानी कि कवर करने में ये दूरी, और चोर पकड़ा जाएगा 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में पकड़ा जाएगा, यानी 60 सेकेंड चोर भी दौड़ेगा, 60 सेकेंड पुलिस भी दौड़े, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा क्या है प्रश्न में, प्रश्न में पूछा है पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, दूरी बराबर, देखिएगा बच्चों नोट करिएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये पता है कैसे फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला है ना, चाल बराबर दूरी बटा का समय, इसी से दूरी बराबर ये समय इधर आ जाएगा, तो चाल गुने समय। तो चाल इसकी क्या है, किसकी चाल बोल रहा है, पुलिस द्वारा उसे, तो पुलिस की चाल, ध्यान दीजिएगा, पुलिस की चाल नहीं, पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा, चोर द्वारा तय की गई दूरी, किसके द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा। और चोर की जो चाल है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड है, और समय कितना लगा है, 60 सेकेंड। तो 6 गुने 60, 6 गुने 36, 360 मीटर, 360 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 360 मीटर। बताइए क्लियर है, 360 मीटर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है कि नहीं ये बताइए। यही चीज आपको समझना है, यहां पे सापेक्ष चाल कैसे आया, क्लियर है बताइए। हाँ, 360 360, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बताइए, क्लियर है, क्लियर है तो यस सर कमेंट करिए, फिर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं क्लियर है तो दोबारा समझाएंगे, फटाफट एक बार कॉमेंट करके सारे बच्चे बताए, हाँ जल्दी से कमेंट करें, एक साथ कमेंट करें, वेरी गुड, समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। 360 360 360 आ रहा है, अगर पूछ लेता पुलिस तो पुलिस की चाल कितनी है, पुलिस की जो है यहां पे 8 मीटर पर सेकेंड है, तो 8 से गुना करते, चोर की पूछा है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यह बोला है, ठीक है क्लियर है, एस एस सर एस सर एस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, दो ट्रेन दो स्टेशन से एक ही समय पर शुरू होती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी की तुलना में 20 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर एक स्टेशन ए है, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेशन ए है, यहां पे एक स्टेशन है बच्चों बी, ठीक है, एक स्टेशन है बी, एक ट्रेन इस दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन इस दिशा में चल रही है, मतलब एक दूसरे के ही दिशा में चल रही है। और यहां पे बोला है, देखिए यहां पे बोला क्या है, दोनों की यहां पे पहले तो ये देखिए इनकी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है एक की 40 किलोमीटर पर आवर, एक की 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जो है वो कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, यही इनकी स्पीड है। अब देखिए कह रहा है यहां पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी की तुलना में 20 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 20 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, ध्यान दीजिएगा। और यह भी बोला है दो ट्रेन दो स्टेशन से एक ही समय पर शुरू होती है, ठीक है। तो अब देखिए
यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्लियर होगा। आप देखेंगे 20 किलोमीटर कौन ज्यादा चला होगा, 20 किलोमीटर कौन ज्यादा चला होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड किसकी ज्यादा है, इसकी, ध्यान दीजिएगा, ये 40 है और ये 45 है, तो 40 प्लस 5 यानी यही ज्यादा चली है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा देखा जाए तो ज्यादा चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 गुने 20 चलाना है तो 5 गुने 4 20 होगा, यानी 4 घंटा क्या होगी ये चली होगी, तभी 20 किलोमीटर अधिक यात्रा की होगी। तो यही चीज करना है, 4 घंटा अगर हम इसे चला दे 40 गुने 4 प्लस इसे चला दे 45 गुने 4, तो यहां पे बस आ जाएगा दोनों के बीच की दूरी, तो 4 चौको 16 160 और 45 चौको 180, ठीक है। तो यहां पे आप जोड़ देंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 2, 8, 6, 14 340 किलोमीटर। बस ये तो देखने से ही लग जा रहा है, ये 5, 5, 4, 20 4 घंटा बस चला दीजिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, सापेक्ष चाल ले सकते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 40 प्लस 45 बराबर 85, ठीक है। और 85 गुने क्या करेंगे बताइएगा, 85 आ रहा है ना, 85 गुने 4 करेंगे तो 4, 5, 20 का 0, 8, 4, 32, 2, 34 340 किलोमीटर, ये डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। या आप 160 प्लस 180 340 कर लीजिए, ठीक है, हाँ 340 किलोमीटर, 340 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, या आप चाहे तो इतना ही कर सकते हैं, 340 सही है। कितने बच्चों का 340 आंसर आ रहा है बताइए, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिला है, बताइए बताइए। क्लियर है 340, हाँ वेरी गुड। कुछ नहीं, ये प्रश्न में बहुत ही आसान है, आप यहीं पे देखते, ये 45 है, 40 है, 5, 20 4 घंटे चला दीजिए बस। चार घंटा एक चला, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखने से पहले एक बात और हम आप लोगों को बता दें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की जो ये है फौजी बैच, हाँ एसएससी जीडी के लिए जो फौजी बैच, हाँ एसएससी जीडी के लिए बच्चों जो फौजी बैच आप लोगों के लिए चलाया जाना है वो 1 नवंबर से लाइव चलेंगी, ठीक है। फौजी बैच वैसे आप लोगों के पास चल ही रहा है, लेकिन जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी फौजी बैच की वो 1 नवंबर से लाइव क्लासेस होंगी। जो भी स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट हैं जो फौजी बैच से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बैच एकदम फ्री होने वाला है। तो 1 नवंबर से आप लोगों के लिए एक नया भी बैच स्टार्ट होगा, जो बच्चे सिर्फ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 1 नवंबर से क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों वही फौजी बैच है जिसने 2022 में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिया, बहुत ज्यादा सिलेक्शन, जितने भी बच्चे पढ़े सभी के सभी सिलेक्ट हुए। तो इस बार अब आप लोगों की नंबर है, देखिए फौजी जो है पुराना फौजी बैच है, अगर इससे जुड़े हैं तो जो आप लोगों के लिए 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है वो आप लोगों के लिए एकदम फ्री होगा। इस फौजी बैच की जो फी है बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 250 रुपए। इसमें आपकी सारी क्लासेस जो है वो एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। इससे जुड़े हैं यानी आपके पास एक रिकॉर्डेड भी है और 1 नवंबर से आपकी लाइव क्लासेस भी होने वाली है। तो अगर आप अभी इससे जुड़ जाएंगे तो आने वाले में जो बैच होगा वो आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों से बात कर लेते हैं, यूपी पुलिस के लिए बच्चों सिपाही बैच चल रहा है और ऐसे ही दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच और बिहार एसएससी के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है,
तीन मिनट के बाद अब उन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी यह बताना है। पहले दूरी 420 मीटर है, अब तीन मिनट के बाद बीच की दूरी क्या रहेगी यह बताना है। बताइए, जल्दी से बताइए एक बार, सारे बच्चे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक साथ आप लोग कमेंट करें तो हम देखें क्या क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। फटाफट एक बार बताइए। चलिए, हाँ, फौजी बैच लाइव चलेगी आपकी, रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड तो अभी चल रहा है, लाइव आपकी हो जाएंगी 1 नवंबर से, सारी क्लासेस लाइव होंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर लाइव क्लासेस लाइए, तो लाइव क्लासेस चलेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बेसिक से समझाए। अच्छा, बेसिक से ही तो समझा रहे हैं सारे क्वेश्चन। देखिए यहां पे आपको देखना है, यहां पे देखिए पुलिसकर्मी की जो चाल है, पुलिसकर्मी ध्यान दीजिएगा, जो पुलिसकर्मी है उसकी चाल क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। जो चोर है इधर ही भाग रहा है उसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, यही है। और दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितना है, 420 मीटर है, यही है ना। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए यहां पे आप पहले देखेंगे, अगर हम देखें तो सापेक्ष चाल की बात करें तो सापेक्ष चाल क्या होगा, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल ये 25 ये 20, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको देखना है दूरी 420 मीटर है और यहां पे दूरी मीटर में ही दे रहा है, तो आप इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं, यही 5 है ना, इसी को बदलना है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, यानी ये हो जाएगा 5/25/18 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या हो गई, चाल, ठीक है। अब बोला क्या है बच्चों, बोला है 3 मिनट बाद हुए उनके बीच की दूरी, 3 मिनट, 3 मिनट का मतलब क्या होगा, 3 मिनट का मतलब होगा अगर हम सेकंड में बोले तो 3 गुने 60 यानी 180 सेकंड होगा। तो यहां पे देखिएगा, समझना है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल क्या है, 25/18 और समय क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मिनट है तो 3 गुने 60 180। तो ये हो जाएगा, देखिएगा 180, 18 दहम में 180, 25 दहम में 250, ये 250 मीटर की दूरी तय कर लेंगे, ठीक है, 250 मीटर की दूरी तय करेंगे। लेकिन 250 मीटर आंसर नहीं होगा, समझना है। बोला है, बोल रहा है 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, पहले दूरी कितना था, पहले दूरी था 420, तो 420 माइनस ये 250 चले हैं तो 250 घटा लीजिए, होगा कितना, 170 मीटर की दूरी अब इनके बीच बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। बस यही चीज तो समझना है, हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। अब यही बोला है कि गतिश दौड़ते 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 170। कैसे 170 आया, यही चीज समझना है, क्योंकि ये 250 मीटर 3 मिनट में कितना दूरी तय किए हैं, 3 मिनट में 250 मीटर की अब दूरी कवर हो गई है, तो इसमें से 250 कम कर लेंगे क्योंकि 420 है, 420 में से जब 250 घटाएंगे 170, अब बची जो दूरी है 170 है, बस यही चीज है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बताते रहिए, कमेंट करते रहिए सारे बच्चे। चलिए समझ में आ गया, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, इसका आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे आंसर देंगे। रीता पी से क्यू तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करती है और पी और क्यू के बीच की दूरी 6000 मीटर है, तो रीता द्वारा पी और क्यू के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, देखिए आप लोग जल्दी से आंसर दे रहे हैं कि नहीं, 10 सेकंड के अंदर जल्दी से बताइए, 180 कहां से आया, 3 मिनट था और उसको हम सेकंड में बदल लिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड, ये जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए, हम देखें क्या आंसर आ रहा है, आप लोग दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आज बच्चों की संख्या बहुत कम है, क्यों, मेला घूम रहे हैं,
दशहरे की छुट्टी है हर जगह पे, अच्छा यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है, बहुत से बच्चों की नाराजगी रहती है और यही कंप्लेन रहता है कि आपके यहाँ छुट्टी क्यों नहीं होता है, आप मेला करने क्यों नहीं जाते हैं। देखिए नौकरी आप लोगों की लग जाए, मेला तो रोज है, ठीक है। हाँ छुट्टी चाहिए, क्या करने लगने लगते हैं कि देखते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अब वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। फिर अब ये भी नहीं देखेंगे समय घंटा में दे रहा है, घंटा में जब दे रहा है समय तो कुछ करना ही नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, चाल बराबर क्या फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा का समय, ये बेस फॉर्मूला है, इसी से तीनों फॉर्मूले बनते हैं। अब देखिए हम लोगों से पूछा गया है समय, समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइएगा आप सारे बच्चे, समय बराबर, समय इधर चला जाएगा चाल नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल। अब देखिए दूरी कितना है, दूरी कितना है 6000 मीटर है, 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 6000 मीटर में 6 किलोमीटर, ये 6000 मीटर है। अगर हम इसको 1000 से भाग कर दे तो ये आ जाएगा क्या, 6 किलोमीटर, आएगा कि नहीं आएगा, यही चीज समझना है। तो दूरी हो जाएगा 6 किलोमीटर और चाल इसकी क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 बटा का 4 का मतलब क्या होता है 1.5, या आप इस 6 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यहां पे 2 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 4 पच्चे 20, यानी जब इसको करेंगे तो 1.5 आवर यानी कि घंटा होगा, कितना, 1.5 घंटा, याद दिया है ना, 1.5 आवर, बस यही है इस प्रश्न में। अब बहुत से बच्चे इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं होगा, आप इस 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते तो ये क्या होता, 4 × 5/18, तो ये होता 20/, क्या हो जाता, 20/18 मीटर पर सेकंड हो जाता। फिर उसके बाद से यहां पर मीटर में दूरी दिया हुआ है तो फिर उसको ऐसे करते, तो इतना नहीं करना है, बस जब आप समझ रहे हैं 6000 मीटर है, जब 6000 मीटर है और फिर समय बराबर देखते तो दूरी बटा चाल आता, तो दूरी बटा चाल आता तो ये दूरी कितना हो जाता, 6000 हो जाता और चाल आपका कितना हो रहा था, 20/18 हो रहा था ना, क्या था, 20/18 था, तो ये 20 × 18 इधर हो जाता, तो फिर इधर करते आप तो उसके बाद सेकेंड में समय, उसके बाद घंटा में बदलते तो 20 × 3 = 60 और ये 300, 18 × 3 = 54, क्या हो जाता, ये 500, 5400, ये हो जाता सेकेंड, फिर इसको आप जब 60 से भाग करते तो मिनट में बदलता तो ये हो जाता 6 × 9 = 54, 90 मिनट हो जाता, ये 90 मिनट होता, 90 मिनट को फिर आप क्या करते, 60 से भाग करते तो 1.5 आवर हो जाता। इतना करना पड़ता क्योंकि समय जो आता सेकेंड में आता, फिर सेकेंड को मिनट में बदलते, फिर मिनट को घंटा में, तो इतना करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे थोड़ी सी गलती कर दिए और यहां पे अगर आप ध्यान नहीं दिए, तो अगर इस मीटर को हम किलोमीटर में बदल लिए तो प्रश्न क्या हो गया, आसान हो गया। अगर नहीं बदले होते तो हम इतना करते, इतना करके 1.5 घंटा लाते और यहां पे सिर्फ कितना हो गया, 6/4 मतलब 1.5 घंटा आंसर आ गया। समझ रहे हैं, बस यही चीज तो समझना है, अगर इतना समझ रहे हैं तो प्रश्न आसान है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन जो आपके सामने दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन है, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, बताइए
इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, देखिए आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। अब यहां पे लिख बता समझा दे रहे, एक की चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की है 36, और दोनों बोल रहा है समान लंबाई की ट्रेनें हैं, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। दोनों ट्रेन की जो लंबाई है, समांतर पटरी मतलब क्या है? समांतर पटरी मतलब एक दूसरे के बराबर पटरी पे, एक ही पटरी पे नहीं, अगल बगल एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। एक की चाल देखिएगा, एक की चाल है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की जो चाल है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, एक ही दिशा में चल रही है। तो यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा, अभी बता रहे थे ना सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा? सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जा रही है तो 46 माइनस 36 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना आप समझा दिए। अब आप देखिए, अब यहां पे अब आपको समझना है, अब बोल रहा है क्या प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है? इसका आंसर अब आप लोग दीजिए, फटाफट आंसर दे, एक साथ आंसर दे। एक साथ सॉल्व करिए सारे बच्चे आंसर दे, क्योंकि पूरा समझा चुके हैं और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को एक पीछे कई करा चुके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही देंगे, गलत आंसर आप लोगों को आना नहीं चाहिए। आ रहा है आंसर, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बस यही चीज समझना है, देखिएगा समय क्या दिया हुआ है 36 सेकंड, दूरी इसकी एक सेकंड में पार करती है, लंबाई होगी उसकी मीटर में ही, तो आप देख रहे हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, क्या कर लीजिए मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलता है बच्चों बताइएगा? 10 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको 5/18 से गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5/18 से गुना कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, पूछा क्या है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी। अब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई दूरी होगी वही आएगा, और दूरी बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटा का समय होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, क्या हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुने समय, क्या हो जाएगा चाल, ये सब याद रखिएगा बार बार नहीं लिखेंगे, चाल गुने समय। तो चाल क्या है इसकी 10 × 5/18, समय कितना लग रहा है 36 सेकंड, 18 × 36 10 × 50 × 100 100 मीटर, ये 100 मीटर आया क्या, ये 100 मीटर क्या है आंसर नहीं है, ये 100 मीटर की दूरी तय करेंगी, मतलब एक दूसरे को पार करेंगी 100 मीटर, यानी दोनों ट्रेन की जो लंबाई है, और ये भी बोला है कि समान है, समान लंबाई की ट्रेन है दो समानांतर पटरियों पर, यही बोल रहा है ना, यानी दोनों की जब लंबाई समान है और जब दोनों पार कर रही है एक दूसरे को, तो दोनों की लंबाई जुड़ के जब 100 मीटर हो रहा है तो एक ट्रेन की लंबाई, हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 100 मीटर अगर दोनों की लंबाई है, दोनों बराबर बराबर है, तो दो से भाग करिए तो आंसर आएगा 50 मीटर, 50 मीटर यही क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा, बताइए क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो यस सर कमेंट करिए, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे, बताइए सारे बच्चों को क्लियर है, क्लियर है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सारे बच्चे जुड़ जाएं और डेली आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, ठीक है सारे बच्चे। चलिए हाँ छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रख देते हैं, बाकी आपकी क्लास नेक्स्ट डे कराएंगे, क्योंकि आज बच्चे भी कम है और कुछ लोगों को छुट्टी भी चाहिए, ठीक है चलिए कोई नहीं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी कल से क्लास होगी एकदम जबरदस्त तरीके से, तो मेला की छुट्टी आज कंप्लीट कर लीजिएगा, कल से आप लोग क्या करेंगे एकदम मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए और अपना पढ़ाई एकदम एकदम वो कर लीजिए, मतलब टाइम टेबल सेट कर लीजिए, पढ़ना ही पढ़ना है,
तो अब देखिए मेला आएगा, अभी दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगा, समझ रहे हैं, बहुत से त्यौहार है, तो त्यौहार में आप लिमिटेड छुट्टी लीजिए, बहुत ज्यादा छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। दिवाली के दिन छुट्टी ले लीजिए, बाकी वैसे आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल से हम कंटिन्यू करेंगे, कल आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी। आज की क्लास कैसी लगी एक बार जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, और ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि एसएससी मेकर के ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आज आज आप लोगों की छुट्टी कर दे रहे हैं, लेकिन आगे छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, और आप लोगों के लिए जो क्लासेस चल रही हैं और एसएससी जीडी के लिए जो फौजी बैच की आप लोगों की डिमांड थी लाइव के लिए, तो 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट होगा, क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से चलेंगी, जीरो लेवल से, और ये फौजी बैच उन छात्रों के लिए फ्री है जो स्टूडेंट पुराने फौजी बैच से जुड़े हुए हैं। नए बच्चों के लिए क्या होगी, हाँ नए बच्चों के लिए फी थोड़ी सी ज्यादा होगी, 250 नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी। तो अगर आप पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों की क्लासेस और आगे भी जो आपकी लाइव क्लासेस है वो भी आपको मिले, ठीक है। चलिए, हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लासेस चल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए, बैच की फी 299। साथ ही हम आपको बता दें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी राजधानी बैच चल रहा है, फी 299। लाइव क्लासेस ये चल रही है आप लोगों की, ठीक है। हाँ, बिहार एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो बिहार एसएससी के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, फी बहुत ही कम है। तो सारे बच्चे जुड़े, मन लगा के पढ़े और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और आप सारे बच्चे एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप पे जाके 5 स्टार की रेटिंग और बेहतरीन रिव्यू आप सारे बच्चे जरूर दीजिएगा, अगर अभी तक आप लोग रेटिंग नहीं दिए हैं तो, ठीक है। चलिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद से कल से एकदम पढ़ाई में लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, प्रश्न है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में, टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र ₹250 में, और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध, अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें।